हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। दोस्तों क्या आपका भी ट्यूटर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका स्टडी पूल का पेमेंट अभी तक आपके अकाउंट में रिलीज नहीं हुआ है या फिर आपकी सेल जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही है। सो दोस्तों इन सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वाली वीडियो में और बने रही है दोस्तों इस वाली वीडियो में। मैं आपको सारा कुछ ए टू जेड यहाँ पे बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ट्यूटर वाला जो हमारा एप्लीकेशन होता है उसे अप्रूव्ड कराना है, आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करूंगा दोस्तों। सो दोस्तों प्लीज यार अचीव कराने की पूरी कोशिश करना। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा टाइम को ना लिए। ठीक, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने यहाँ पे काफी बार ट्यूटर की जो एप्लीकेशन है उस पर वर्क किया था और इनकी जो टर्म्स कंडीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है दोस्तों। एज यू नो कि प्रीवियसली काफी मेरी वीडियोस थी जिसमें मैंने काफी बूस्टिंग तरीके बताए आपको एंड काफी कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें कुछ चीज़ें ये भी थी कि बहुत से लोगों का यहाँ से मानना है कि फेक है, यहाँ से अर्निंग नहीं होती, बहुत से लोग ये भी कहते हैं। और इस वेबसाइट पे दोस्तों वर्किंग करने का तरीका ही अलग है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि आपका ट्यूटर का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट क्यों होता है, क्या वजह है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्यूटर एप्लीकेशन आपको एक बार ही चांस मिलता है अप्लाई करने का, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक अपना नया जीमेल आईडी खोल लिया है एंड मैं यहाँ पे आपको फ्रेश तरीके से, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो आप अपना ईमेल आईडी फ्रेश तरीके से क्लियर करिए और ये वाला मेथड फॉलो करिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लिया था एंड हम इसके थ्रू जाएंगे एंड सिंपली आपको बिकम ए ट्यूटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक एक पॉइंट को आप नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सारा कुछ पढ़ते हुए जाएंगे कि इसकी टर्म्स कंडीशन क्या है, यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इस प्लेटफॉर्म को समझिए दोस्तों, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं क्वेश्चन पुटअप करिए, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा अच्छे से। सो यहाँ पे आप क्लिक करोगे अप्लाई नाउ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, लोएस्ट सर्विस फीस, रियलेबल इनकम एंड फुल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो आपको पता ही होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वो आपके यहाँ पे पोर्टल में जाएंगे बाय टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप उनसे चैट से कन्वर्सेशन करोगे एंड यहाँ पे आपको लिखा है कि वन टाइम क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, एक क्वेश्चन एक टाइम का, ठीक है। और ये वाली प्राइस दोस्तों डिफॉल्ट आप ही यहाँ पे चूज करोगे कि आप अपने एक क्वेश्चन का कितना प्राइस रख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए रिसेंटली बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, सो हम किसी एक पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारा कुछ आप देख लो क्योंकि आपको भी आगे चल के ऐसे ही वर्क करना है और इसी तरीके से देखो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रोफेशनल होने की बहुत ज़्यादा नीड है। आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या तो मास्टर हो या पर्टिकुलर चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हो, बस तभी अप्लाई करना है ट्यूटर को। एंड यहाँ से अर्निंग तो बहुत है दोस्तों, बट डिपेंड करता है आप पे किस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन ये है, आई एम वर्किंग ऑन केमिस्ट्री क्वेश्चन एंड नीड एक्सप्लेनेशन एंड आंसर टू हेल्प मी लर्न। आई हैव ओनली अ क्वेश्चन दैट आई एम स्टक वन नीड विद हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो इनका क्वेश्चन ये था दोस्तों, ठीक है। अब जो ट्यूटर है उन्होंने इसका क्वेश्चन को विद एक्सप्लेन किया है दोस्तों, ये देखिए। एंड इन्होंने जो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स से अपने जो क्वेश्चन है उसे डीपली एक्सप्लेन किया है। दोस्तों एक भी पॉइंट इसके मत करना बिकॉज ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो वही देखें जो सीरियस है ट्यूटर एज ए ट्यूटर वर्क करने के लिए स्टडी पूल पे। दोस्तों आप चाहें तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे और भी चीजें देख सकते हैं, इसे रिमूव कर दीजिए, आप यहाँ पे और भी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखिए मैक्सिमम $28 का एक क्वेश्चन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से रिलेटेड है। एंड ये देखिए इन्होंने किस तरीके से स्मार्ट तरीके से इन्होंने उनका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया है। सो आप यहाँ से अर्निंग काफी अच्छी कर सकते हैं, बट उससे पहले डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने आप को कितना बेहतर नॉलेजेबल प्रेजेंट कर सकते हैं इस स्टडी पूल ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों, अच्छे से केयरफुली रीड कर देना है, उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड साइन अप विद गूगल पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके एंड थोड़ा सा वेरीफाई होगा ये
एंड दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि 10K के सब्सक्राइबर फैमिली अब दूर नहीं है यार। 10K के जैसे हो जाएंगे एक बढ़िया सा हम यहाँ पे ऑफर लेके आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। सो आपको सिंपली बाइक लिंकिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक भी आपको मैसेज पॉपअप हो वो आपको मिस नहीं करना। ये बता रहा है कि इम्पोर्टेंट मैसेज, नो चैट GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउड। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ट्विटर के जो क्वेश्चंस पुटअप करे जाएंगे वहाँ पे कहीं पे भी आर्टिफिशियल को यूज नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी आंसर नहीं देना है, आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा यहाँ पे अगर अच्छी अर्निंग चाहते हो। और अगर आप एक टीचर हो, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे से मास्टर हो, सो आपको इस सब की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे इसे कट कर दीजिए एंड देन स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे फिर से दो बार यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड ये बता रहे हैं 30 मिनट एलमोस्ट इसे लग जाएंगे, ठीक है। सो अब आप लोगों ने एक्नोलेज पे क्लिक करके एंड देन थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ देखिए, सिंपली यहाँ पे आपको अपना डेटा भर देना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने अपना नेम डाल दिया एंड देन आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं इंडिया से करता हूँ। एंड आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस डाल देना है। सो दोस्तों आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में कहाँ से सुना, सो आपको वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। एंड देन नीचे जाना है, आपको यहाँ पे अपना जो यूनिवर्सिटी हो जहाँ से भी आपने अपनी एजुकेशन की है, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी का नाम दोस्तों मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी ये थी। और यहाँ पे आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर वो रजिस्टर्ड है, फेमस है, सो आप यहाँ पे थोड़ा सा सर्च होगा जो भी है, आप शॉर्ट में यहाँ से डाल सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सारी यूनिवर्सिटी दिख जाएंगी उससे रिलेटेड। सो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश इंडिया सेलेक्ट करता हूँ एंड आपका जो वो है मेन सब्जेक्ट, आई मीन मेन नॉलेज है, वो किस फील्ड में है, आप यहाँ पे वो चीज़ मेजर है दोस्तों यहाँ पे टाइप करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों एज ए कंप्यूटर साइंस, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डाल दिया एंड देन इस पे हमें नो करना है, बिकॉज हमने कहीं पे टीच, अगर आपने टीचिंग कहीं पे की है तो यस करो। एंड अगर आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के एफिलिएट प्रोग्राम में आप ज्वाइन हुए हो कभी तो भी यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। एंड यहाँ पे आपको जॉब टाइटल देना है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी आपने जॉब की है तो उसका डिजिग्नेशन क्या था, कौन सी कंपनी थी, कब तक किया, ठीक है। सो सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। सेकंड थिंग, तो मैंने यहाँ पे द ग्रेप्स में जॉब करा था एंड यहाँ पे 2021 में करा था एंड 22 में लीव किया, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, आप चाहें तो ऐड मोर पे क्लिक करके और भी अपनी वर्किंग को ऐड कर सकते हैं। सो मैंने इतना ही किया दोस्तों, एग्जैक्टली इतना फॉलो करके आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है दोस्तों, एज इट इज आपको ये चीजें फॉलो करनी है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, वहाँ यहाँ पे आपको टिक कर देना आप कौन सी सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, आप अपने पर हावर्स का कितना अमाउंट यहाँ पे चार्ज करोगे, तो आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये फिर चेंज कर देना। यहाँ पे लिखा है यू कैन चेंज दिस लेटर एनी टाइम, सो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में मिनिमम ही रखना एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब दोस्तों मेन पार्ट अब आने वाला है, अभी स्किप मत करना, मेन पार्ट तो अब आएगा जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होती है, ठीक है। मेन जो चीज़ है यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिख देना है एंड देन अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नो प्लैगरम फाइंड, 100% ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी आपको यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी आपको वो नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं किया करना है। ये देखिए साफ साफ लिखा है चैट GPT। और अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, मेक श्योर कि आपको ग्रामरली एक्सटेंशन आता है, ठीक है। ये देखिए ग्रामरली एक्सटेंशन गूगल पे आपको मिल जाएगा, ये आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो, पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए, मेक श्योर, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। सो हमें ये बोलना है कि कंप्यूटर साइंस पे हमें 200 से 500 वर्ड्स लिखने हैं एंड फुली कोई हैंड रिटन नहीं होने चाहिए, फुली आपको डॉक फाइल पे लिखना है एंड चैट GPT का यूज नहीं करना है। एंड दोस्तों आपको इस तरीके से कॉमास ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे ब्राउजर पे। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये रिसर्च करके रखी थी इससे रिलेटेड एंड मेरा जो एप्लीकेशन है वो भी अप्रूव्ड हुआ है इसी मेथड से, ठीक है दोस्तों। सो आपको दोस्तों ये वाला कीवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है, व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, एक्सप्लेन फुल डिटेल्स। आई नो हम यहाँ पे चैट GPT यूज कर रहे हैं, बट वीडियो को पूरा देखिए, इसे हम 0% ह्यूमन राइट बनाएंगे, ठीक है। यही है इस वीडियो का ट्रिक। अब देखिए कैसे बनेगा वो, एक एक पॉइंट दोस्तों आपको
अच्छे से देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। सो गाइज, एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, कोर कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस, सो फुली एक्सप्लेन होके यहाँ पे आ गया है, जो कि स्टडी पूल को अब अच्छे से हम समझा सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के बारे में हमें अच्छे से पता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लेना है, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं कॉपी, ठीक है। अब हमें जाना है सेकेंड मेथड पे। सो दोस्तों, उसी कॉन्टेंट को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं AI कंटेंट डिटेक्टर पे। हम देखते हैं कि हमारा AI जो कंटेंट हमने राइट किया है वो कितना AI है, ठीक है। सो हमने सिंपली यहाँ पे चेक पे क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। सो एक मैजिकली ट्रिक यहाँ पे मैं बताऊंगा, और इसमें भी एक एडवांस ट्रिक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 85% मतलब टोटली AI कंटेंट है। ये देखिए, दिस टेक्स्ट इज मेनली रिटन बाय एन AI, सो हम यहाँ पे इसे यूज नहीं करेंगे। अब हमारी ट्रिक क्या थी, हमें जाना है दोस्तों उसी टैब पे, ठीक है, उसी ब्राउजर पे, एंड देन हमें यहाँ पे जाना है AI टू ह्यूमन पे, ठीक है। और मेक श्योर इसी वाली वेबसाइट पे जाना है दोस्तों, कोई दूसरी वेबसाइट आपको यूज नहीं करना है। मेक श्योर आपको ये चीज, ये सारी वेबसाइट मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों टेलीग्राम का, जाके टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे काफी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। सो आप इसे एक बार रिफ्रेश कर लें, बिकॉज मैंने यूज कर रखा है। सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, एंड देन आपको ये वाला जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको एज इट इज टाइप करके एंड ट्राई आयरन मैन मोड, ठीक है, ये आपको क्लिक कर देना है, एंड देन थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे इसे कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, फिर से जाना है उसी पे जहाँ पे हमारा AI जो डिटेक्ट करता। अब हम इसे फिर से चेक करते हैं कि अब ये क्या बोलता है। सो दोस्तों हम चेक पे क्लिक करके फिर से देखते हैं कि हमारा जो AI कंटेंट है वो कितना ह्यूमन है और कितना AI है, ठीक है। सो एज यू कैन सी दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा AI कंटेंट जो जीरो, AI कंटेंट जीरो है, ह्यूमन कंटेंट 100% है। सो आप यहाँ पे देखिए, दिस टेक्स्ट इज मेनली रिटन बाई ए ह्यूमन, मतलब हमारा 0% है AI कंटेंट, और यहाँ पे हमें बता रहा था प्रीवियसली टाइम कि 100% है। सो अब आप लोगों को ये पूरा कॉपी कर लेना है, एंड देन आपको जाना है, आपको डॉक पे जाना है, डॉक फाइल पे सिंपली वही कॉपी पेस्ट कर देना है। अब देखिए, एज इट इज आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेना है कि लगे आपने ही इसे टाइप किया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये बोल्ड कर देना है, एंड देन ये टाइटल को हटा देना है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं रखना, एंड थोड़ा तो आपको अपना भी यहाँ पे देना पड़ेगा थोड़ा टाइम। सो यहाँ पे देखिए, ये वाले टाइटल्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये इसका टाइटल है, एंड इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इस तरीके से आप सभी चीज़ें ये कस्टमाइज कर लोगे, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आपको ये कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करना है, एंड देन आपको फाइल पे जाना है, एंड दोस्तों डाउनलोड पे क्लिक करके डॉक पे क्लिक कर देना है। डॉक पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपने वहीं पे जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, और यहाँ से ब्राउज करना है डॉक एंड डॉक्स फाइल। मेक श्योर आपको डॉक एंड डॉक्स फाइल ही यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अब गाइस यहाँ पे मेक श्योर आपको कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आता है मेन इंपोर्टेंट चैप्टर, जो कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एक स्टेप हमने वो वेरीफाई कर लिया, अब यहाँ पे देखिए आपको इनके आंसर्स देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली आपको ये कॉपी करना है दोस्तों, एंड वही एज इट इज तरीका फॉलो करना है, आपको सिंपली आंसर पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप लोगों ने जाना है चैट GPT पे। आई नो वहाँ पे आपको चैट GPT यूज नहीं करने देना, बट हमारे पास अब AI टू ह्यूमन राइट हमारा टूल है, जो कि हमें बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं करने देगा, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं करने देगा कि वो उन्होंने टाइप किया। ऊपर से आप थोड़ा सा अपना उसमें पूरा पढ़ के एंड बोल्ड एंड जो भी आप थोड़ा सा जानते हो वो उसमें इंक्लूड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना है व्हाट इज करके, एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, एंड सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, ये कुछ इस तरीके का हमारा पूरा, आपको पता है चैट GPT यूज कराई है, सो यहाँ पे पूरा आपको राइट होके मिल जाएगा जो भी वहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कर लेते हो, डिटेल में दोस्तों इसे लिखने देना है आपको, सिंपली कॉपी पे क्लिक कर देना है, एंड फिर से आना है आपको वहीं पे जहाँ पे हमारा AI टू ह्यूमन था, ठीक है। सो इसे रिफ्रेश कर देना है, एंड मेक श्योर आपको फिर से पेस्ट करके वही मेथड सेम एज इट इज प्रीवियस वाला मेथड फॉलो करना है, एंड ट्राई टू स्टार्ट मोड, ठीक है।
एंड ये देखिए आपको फिर से ये कॉपी करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है और मेक श्योर आपको हर बार ये चेक करते रहना है कि ये कहीं AI कंटेंट हमारा पहुंच ना जाए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे हर बार चेक करते रहना है, या फिर से ये देखिए आप लॉग इन कर सकते हैं इसे, ठीक है, गेट इंस्टेंट अनलिमिटेड से, मतलब इसे साइन अप करके और एक बार टेम्पररी मेल आप यूज करके इसे लॉग इन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको विंडो मोड को ऑन करके आप उसी वेबसाइट को यहाँ पेस्ट करके दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आपको एक और आपकी डॉक फाइल में वहां से AI कंटेंट को पेस्ट करके सेम एज इट इज प्रीवियस वाला मेथड आपको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे वही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, मेरा प्रीवियसली वाला एक डॉक्यूमेंट था उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये वाला, सो मैंने इसे अपलोड कर दिया। और दोस्तों मेक श्योर इसका जो नेम है ये रीनेम कर देना दोस्तों, ठीक है। सो ये रीनेम कर देना और ज्यादा चांसेस होंगे इसे अप्रूव्ड करने में। फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब की बार दोस्तों आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% अप्रूव्ड होगी। इसी तरीके से आपको सभी डॉक्स को अप्रूव्ड करवा देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पे मेक श्योर वही नेम लिखाओ जो वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी आपको एज ए वेरिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पे जब आप आओगे यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बहुत से लोगों का इसी वजह से रिजेक्ट होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है आपका कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे हमें क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। सो मेक श्योर आपको यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। आपके पास ड्राइवर लाइसेंस तो होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID कार्ड होगा, ठीक है। सो मेक श्योर मैक्सिमम लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और जिनके पास नहीं है वो कोई भी गवर्नमेंट ID कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब उसे यूज कैसे करना है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियरली तरीके से नो ब्लरी इमेज बिल्कुल क्लियरली स्कैन कर लो, नहीं तो आप साइबर कैफे पे जाओ प्रिंटर से स्कैन करवा लो चीज को, क्रॉप करवा लो अपने फोन में, डॉक्यूमेंट के थ्रू व्हाट्सएप आ जाएगा, साइबर कैफे से करवा लो। एंड सेकेंड पे आपको इस ये वाला पोज बनाना है, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का ये देखिए पासपोर्ट साइज, और एक आपको ब्लैंक पेपर लेके आपको करेंट की डेट एंड ये वाला वर्ड लिखना है KYC फॉर स्टडी पूल, सेम टू सेम एज इट इज ये वाली पोज बनानी है, ठीक है दोस्तों। एंड इस तरीके का एक आपको स्कैन करा लेना है 300 DPI में, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब आपको यहाँ पे ब्राउज करके वही दोनों चीज अप्रूव कर दें, अपलोड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों अभी मेरे पास ये चीज नहीं थी, बट अब मैंने जो प्रीवियस वाला था वो तो मैंने ऑलरेडी अप्रूव्ड करा लिया है। सो यहाँ पे मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, ये देखिए आपका यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको ओनली आगे बढ़ने के लिए बता रहा हूँ ये, लेकिन आपको इस तरीके से एक ID कार्ड एंड इस वाले पोज में आपको एक फोटो क्लिक कराना है जिसमें आपका ID कार्ड होगा एंड ये ब्लैंक वाला दिख रहा होगा, ठीक है। ये दोनों आपको पिक्चर ले लेना है इसका, इन दोनों का, ठीक है, वो अपलोड करना है। ये मैं प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कोई सा भी ऐसे रैंडमली से अपलोड करके एंड आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको किस तरीके से करना है, ठीक है, सेम एज इट इज तरीके आप फॉलो करिए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये बता रहा है हाउ टू पेमेंट आर हैंडल, इनके थ्रू आप पेमेंट यहाँ से ले सकते हो पेपल पेनियर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद दोस्तों बाय क्लिकिंग यहाँ पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मेक श्योर सिग्नेचर अच्छे से करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको सिग्नेचर यहाँ पे अच्छे से करना है, गलत हो जाए दोस्तों क्लियर सिग्नेचर, एंड यहाँ पे सिग्नेचर आपको अच्छे से टाइप कर देना, ड्रॉ कर देना। अब आपको सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करके ओके, एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इनपुट कर देना है एंड देन सबमिट पे। दोस्तों विद इन 24 आवर्स में आपकी प्रोफाइल 100% गारंटेड अप्रूव्ड हो जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं होती तो मुझे कमेंट में बताइए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, आपका ये प्रोसेस मैं एडिडास के थ्रू करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो कैसी लगी यार ये वाली डिटेल, अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो यार कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, मैं रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।